आज बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह है। पाकिस्तान पर हुई स्ट्राइक का क्या किया दिया गया था नाम और बालाकोट स्ट्राइक को कैसे दिया गया था अंजाम। बालाकोट स्ट्राइक और पाक से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 पाकिस्तान पस्त। आज बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह है। 2019 में भारतीय सेना ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लिया था और पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 आतंकी मारे गए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए इसका कोड नेम ऑपरेशन बंदर रखा गया था। 26 फरवरी 2019 की रात को भारत के मिराज 2000 विमानों ने बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए थे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद वायुसेना चीफ बीएस धनोवा ने एनएसए अजीत डोभाल को स्पेशल आरएक्स पर कॉल कर कहा था कि बंदर मारा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की सालगिरह पर पुलवामा के शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने कहा 2019 में आज ही के दिन भारतीय वायुसेना ने पुलवामा आतंकी हमले का जवाब देकर नए भारत के आतंक के विरुद्ध अपनी नीति को स्पष्ट किया था। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और हमारे जवानों की सुरक्षा सर्वोपरि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर भारतीय सेना के जवानों को सैल्यूट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बालाकोट स्ट्राइक ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ जोरदार कार्रवाई को साबित किया है। हमें अपनी सेना पर गर्व है जो भारत को हर पल सुरक्षित रखते हैं। भारत के बाद अब पाकिस्तान अपने पड़ोसी अफगानिस्तान से रिश्ते सुधारने में लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से मसला हल नहीं होने वाला। कुरैशी ने कहा कि शांत अफगानिस्तान ही पाकिस्तान के लिए अच्छा है। पाकिस्तान के एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहना तय हो गया है। इस वजह से उसे अब 38 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नुकसान से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति आने वाले समय में काफी बिगड़ सकती है। पाकिस्तान पहले से ही न सिर्फ भारी कर्जे में दबा है बल्कि उसके पास अंतर्राष्ट्रीय कर्जों की किश्तें चुकाने के भी पैसे नहीं है। उधमपुर में सेना के एक जवान को पाकिस्तान को अहम जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि एक सैनिक पाकिस्तानी एजेंसियों को डेटा देते हुए पाया गया था। जवान पंजाब से है और उत्तरी कमान में तैनात था। गिरफ्तार किए गए जवान से पूछताछ की जा रही है। सैनिक की पहचान गुप्त रखी गई है। पाकिस्तान पावर प्रोजेक्ट को लेकर चीन के कर्जे को चुकाने में फेल हो गया है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कर्ज चुकाने के लिए 10 साल की सीमा और बढ़ाने की मांग की है। ब्याज दर 4.5 से घटाकर 2.5% सालाना करने की भी मांग की है। जम्मू कश्मीर के रजौरी में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत पुल और सड़कें बनाई जा रही हैं। मानियाला गांव में बने पुल से 10 गांव जुड़ गए हैं। कई इलाकों में पहली बार सड़क निर्माण हुआ है जिससे यहां के लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में भी सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।